हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 का आज यानी 16 सितंबर को थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और आज पूछे गए जीके क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आज दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गोवा मुक्ति दिवस जो है कब मनाया जाता है। आपको पूछा गया था गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 30 मई को, क्योंकि 30 मई 1987 को जो है गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद किया गया था। तो 30 मई जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको एक और पूछा गया था कि कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था। आपको पूछा गया था कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहला गोल्ड मेडल जो है किसने जीता है, तो ये जीता है पीवी सिंधु ने। तो पीवी सिंधु जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको नेक्स्ट पूछा गया है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या होता है। आपको पूछा गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या है, तो इसका मॉडल है महलनोबिस योजना, सॉरी इसका है महलनोबिस मॉडल बता देता है। ये जो है महलनोबिस मॉडल पर जो है सेकेंड जो है यह महलनोबिस पर आधारित है। इसका कार्यकाल जो है 1956 से 61 है। तो आपको नेक्स्ट पूछा गया है कर्क रेखा किस राज्य से होकर जो है नहीं गुजरती है। आपको पूछा गया था कि कर्क रेखा जो है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो मैं बता दूं कि किस राज्य से होकर गुजरता है, तो कर्क रेखा जो है पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, मिजोरम और त्रिपुरा, इन सब से गुजरती है। क्या इन सब से जो है गुजरती है इन सात राज्य से। इनके अलावा जो भी आपके ऑप्शन में था वो आपका जो है रहेगा, इनके अलावा आपके ऑप्शन में जो भी था वो आपका जो है हो जाता सही उत्तर। कौन सा था? पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सब को छोड़कर जो है जो भी आपका ऑप्शन था वो आपका जो है सही उत्तर हो जाता। तो आपको नेक्स्ट पूछा गया है गोदावरी का उद्गम स्थान कहाँ पर है। आपको पूछा गया था कि गोदावरी का उद्गम स्थान कहाँ पर है, तो गोदावरी का उद्गम स्थान है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी। क्या है? जो कि स्थित है महाराष्ट्र में, तो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी जो है ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको नेक्स्ट पूछा गया है मौलिक कर्तव्य की संख्या है। आपको मौलिक कर्तव्य की संख्या पूछा गया है जो कि 11 है, तो 11 इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। मौलिक कर्तव्य संख्या जो है 11 है। तो आपको नेक्स्ट पूछा गया है 2011 जनगणना के अनुसार जो है तीसरा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। आपको पूछा गया था 2011 जनगणना के अनुसार तीसरा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा, तो ये है मराठी। तो इन्होंने मराठी मारे हैं, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। फर्स्ट नंबर पर है हिंदी, सस्ती बोली जाता है हिंदी, और सेकेंड नंबर पर है बंगाली, बंगाली जो है यह सेकेंड नंबर पर है, और थर्ड नंबर पर है मराठी। तो आपको नेक्स्ट पूछा गया है राज्यपाल का शक्ति जो है किस आर्टिकल से संबंधित है। आपको पूछा गया था कि राज्यपाल का शक्ति किस आर्टिकल से संबंधित है, तो यह संबंधित है आर्टिकल 161 से, आर्टिकल 161 से जो है इन्हीं आर्टिकल में राज्यपाल का शक्ति निहित होता है। तो 161 हमारे हैं, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है सीरम इंस्टीट्यूट ने पहले जो है किस जानवर पर वैक्सीन ट्रैक किया था। पूछा गया था कि सीरम इंस्टीट्यूट ने जो है किस जनपद पर कोविड का वैक्सीन इंजेक्शन जो है ट्रैक किया था, तो जगह बंदर, तो बंदर जो है इसका सही उत्तर है। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल की मात्रा है। आपको पूछा गया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल की मात्रा कितनी होती है, तो इसमें जो है जल की मात्रा दो ही होती है, इसमें जो है H2O की मात्रा दो होती है, तो दो इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको नेक्स्ट पूछा गया था मेंडलीप द्वारा किस पौधे का उपयोग किया गया था। आपको पूछा गया था कि मेंडलीप द्वारा जो है प्रयोग के लिए किस पौधों का उपयोग किया गया था, तो उपयोग किया गया था मटर का पौधा का, तो मटर का पौधा जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको नेक्स्ट पूछा गया था राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। आपको पूछा गया था कि राज्य जो कोई चीज़ लागू करता है जिसको केंद्र को रोक करके या केंद्र से रोक नहीं सकता है वो किसमें इस आर्टिकल में संबंधित है, तो यह है आर्टिकल 54 से, तो आर्टिकल 154 जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो आपको नेक्स्ट पूछा गया है कि इसरो ने 2022 में किस ऑर्बिट को लॉन्च किया था, क्वेश्चन था
तो इसरो ने जो है PSLV-52 इसे लॉन्च किया है, और इसके बाद जो है E0S-04 इसे भी लॉन्च किया है। तो ये दोनों में जो भी अभी था तो वो आपका जो है सही उत्तर हो जाता। तो दोस्तों ये थे आज थे पूछे गए क्वेश्चंस। तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।